हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फाइनली तुम लोगों के जो सबसे बड़ा धर्म संकट था, सबसे बड़ा धर्म संकट भैया, बोथ ग्रुप या सिंगल ग्रुप, उसका जवाब इस वीडियो में मैं गारंटी दे रहा हूँ, 100% श्योर हूं मैं कि इस वीडियो को तुम लोग लास्ट तक देखोगे। तुम लोगों का जो बड़ा कंफ्यूजन है, बोथ ग्रुप या सिंगल ग्रुप, या कंफ्यूजन नहीं भी है तो भी भाई इस वीडियो को देख लो, हो सकता है सिंगल ग्रुप वाले बोथ ग्रुप देने का डिसाइड कर ले और बोथ ग्रुप वाले सिंगल ग्रुप पे शिफ्ट हो जाए, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि जो सारी मेजर क्रिटिक्स, मतलब जो क्राइटेरिया होता है ना कि सिंगल ग्रुप देना है कि बोथ ग्रुप देना है, वो क्राइटेरिया मैंने इस वीडियो में कवर किया। हो सकता है इनमें से कुछ तुमको पता हो और हो सकता है इनमें से कुछ तुमको नहीं भी पता हो, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, और चैनल में नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाओ यार, 40% ऑफ द आबादी जो मेरे चैनल की हो बिना सब्सक्राइब वाली है, नॉन सब्सक्राइब भाई, वीडियो आती है सब्सक्राइब कर लोगे तो तुमको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उससे मेरा कोई एडवांटेज नहीं है, एडवांटेज तुम्हारे ही है। तुमको ऐसा लगता होगा कि हमारी बहुत अर्निंग हो जाती है यूट्यूब से, इतनी अर्निंग होती है कि वाईफाई का रिचार्ज हो जाए महीने का बस, ठीक है। तुमको ऐसा लगता होगा, बोलते हो भैया ऐड चलती है आपकी वीडियो में, फुल कमाई है आपकी, तो एक बार यूट्यूब में खुद एंटर कर लो, खुद देख लेना कितनी कमाई होती है वाईफाई रिचार्ज। बस हम तो यहाँ सोशल वर्क कर रहे हैं यार, भाई बहन मानते हैं तुम लोग को, ठीक है। तो देखो, बोथ ग्रुप वर्सेस सिंगल ग्रुप तुम्हारा होने वाला है, बेसिकली दिस इज द फाइनल शोडाउन, ये तुम्हारा फाइनल वीडियो होगा जिसमें तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा रिगार्डिंग कि तुमको बोथ ग्रुप देना है या सिंगल ग्रुप देना है। कभी भी हो तुम्हारा एग्जाम कभी भी उससे फैक्टर नहीं होता, ठीक है। उसके ऊपर मैं फिफ्थ पॉइंट में बात करने ही वाला हूं। तो देखो, सबसे मैं पहले जो इंस्टीट्यूट की तरफ से तुमको मेजर एडवांटेज मिलता है बोथ ग्रुप या सिंगल ग्रुप में, वो तुमको बता देता हूँ। उसके बाद मैं अपने पर्सनल वाले में आऊंगा कि तुमको क्या क्या चीजें चेक करनी है कि तुमको बोथ ग्रुप देना है सिंगल ग्रुप देना है डिसाइड करने के लिए। तो पहला सबसे बड़ा एडवांटेज जो है, सेट ऑफ का एडवांटेज जो कि तुमको बोथ ग्रुप में मिलता है, सिंगल ग्रुप में नहीं मिलता। अब बहुत सारे बच्चों को सेट ऑफ का गेम समझ में नहीं आता है, तो सेट ऑफ का गेम मैं तुमको समझाता हूँ होता क्या है एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो तुमको पता है तुम्हारे ग्रुप वन में 4 पेपर है और ग्रुप टू में 4 पेपर है, 4 पेपर्स, ठीक है, 4-4 पेपर है। अब देखो, ये जो 4-4 पेपर है, इन सारे पेपर्स में इंडिविजुअली आपको पास होने के लिए 40 मार्क्स लाना होता है। आपको पता है 100 में से आपको 40 मार्क्स लाना रहता है इंडिविजुअली पास होने के लिए, और एज अ होल आपको टोटल में से 50% अबव स्कोर करना है एज अ होल, मतलब पूरा। जैसे मान लो आप ग्रुप वन अपियर कर रहे हो, तो ग्रुप वन टोटल कितना हो गया 400 मार्क्स का, तो आपको इंडिविजुअली 40-40 लाना है, तो 160 हो गया, है ना। लेकिन 160 में आप पास नहीं होगे, आपको 400 का 50% स्कोर करना है या उससे ज्यादा, मतलब आपको 200 लाना है 400 में, 200 आपको 400 में लाना है। तो वैसे ही अगर आप ग्रुप वन की बात करो, अगर आप सिर्फ ग्रुप वन दे रहे हो तो आपको इंडिविजुअली 40-40 और एग्रीगेट में 200 के ऊपर लाना पड़ेगा। पर अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो और मान लो आपका ग्रुप वन में आया 160 मार्क्स, ठीक है, 180 मान लेते, चलो एकदम कम नहीं लाते, 180 मार्क्स आपका आया है ग्रुप वन में, तो और ग्रुप टू में आपका आ गया 250 आउट ऑफ 400। देखो 40-40 वाला इंडिविजुअल वाला क्राइटेरिया आपने पूरा कर दिया, लेकिन ग्रुप वन में आपका 180 आया 400 में और ग्रुप टू में आपका 250 या 400 में। तो मैं बता रहा हूँ एज अ होल, देखो एज अ होल 800 में आपका कितना मार्क्स आया, ये देखो 250 + 180 एज अ होल आपका 430 आया। तो एक बात बताओ, 50% से ज्यादा आ गया एज अ होल, 800 में 50% कितना होता है 400, तो 400 से ज्यादा आ गया, यस। तो आपको पास मान लिया जाएगा, ग्रुप वन भी पास हो आप और ग्रुप टू भी पास हो आप। तो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज यू आर गोइंग टू गेट व्हेन यू आर अपीयरिंग फॉर बोथ ग्रुप, ठीक है। तो बोथ ग्रुप में सबसे बड़ा एडवांटेज जो बच्चों को देखने को मिलता है वो सेट ऑफ का ही है, और बहुत सारे बच्चे सेट ऑफ के बलबूते पे पास भी हुए हैं, ये भी बता दूं मैं तुमको। दूसरा बड़ा एडवांटेज जो इंस्टीट्यूट की तरफ से तुमको बोथ ग्रुप में मिलता है वो है रैंक, कि मतलब तुम्हारी बोथ ग्रुप अगर तुम दे रहे हो तो तुम्हारा रैंक लगेगा, जबकि आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपका रैंक नहीं लगेगा। मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारी कंपनियां होती है जो प्लेसमेंट वगैरह के लिए, कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए ये प्रीफर करती है कि कोई कॉस्ट अकाउंटेंट हो या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो वो बोथ ग्रुप दिया हो, सिंगल अटेम्प्ट में निकाला हो, और रैंक हो तो भाई माशाल्लाह हो गया, रैंक हो तो माशाल्लाह हो गया। तो सिचुएशन में अगर आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है, जॉब करना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो सिंगल ग्रुप देंगे उनको जॉब अच्छी नहीं मिलेगी, मैं ये बोल रहा हूँ जो बोथ ग्रुप देंगे और रैंक भी ले आए साथ में, तो बोलते हैं ना सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा पैकेज फोड़ दोगे सिंगल बार में, पहली बार में बहुत अच्छा पैकेज फोड़ दोगे, है ना। पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो बच्चे सिंगल ग्रुप देंगे उनको अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा, उनको भी एक डिसेंट पैकेज मिल जाएगा, ठीक है, 8-10 लाख का, ठीक है। देखो थर्ड बात कर रहा हूं मैं वही प्लेसमेंट के बारे में, प्लेसमेंट में आपको इधर एडवांटेज मिलेगा, ठीक है, इधर ओवर एडवांटेज मिलेगा, ओपी भाई ओपी, ठीक है, ओवर पावर्ड रहोगे इधर, इधर ठीक है, ओके ओके, ठीक है, एडवांटेज ज्यादा सिंगल ग्रुप में नहीं मिलता, मतलब आपका वही 8-10 लाख का जो बेसिक पैकेज लगता है स्टार्टिंग का, वही लगेगा अगर आप सिंगल ग्रुप अपेयर कर रहे हो, अगर आप इंटर भी दे रहे हो, और अगर मैं फाइनल की भी बात करूं तो, ठीक है। जबकि अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो यहां पर आपको एडवांटेज मिलेगा, पर ये फाइनल की बात हो गई, ठीक है, ये सीएमए फाइनल की बात हो गई, ये चीज फाइनल का देखते हैं, कोई आपको उठा के ये नहीं देखेगा इंटर में बोथ ग्रुप दिया था क्या, ये देखेंगे कि फाइनल में बोथ ग्रुप दिया था क्या, ठीक है। पॉकेट, पॉकेट मतलब होता है कि तुम्हारा बजट कितना है,
ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, सारे बच्चे भाई फुल्ली फर्निश फैमिली को बिलोंग नहीं करते हैं, तो आपको ये भी चेक करना है कि आप कितना एक्सपेंडिचर एक बार में कर सकते हो, क्योंकि आपको ऑल्दो पता है आपको 22,000 रुपए देना है रजिस्ट्रेशन का। इसके बाद जैसे मैं आपको किसकी कोचिंग दे रहा हूँ, मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की कोचिंग दे रहा हूँ और उसकी दे रहा हूँ, अकाउंट्स की दे रहा हूँ, तो आपकी टोटल 3,000 मतलब 2,999 और 3,499 या 3,500 की है। तो ये मैंने आपका कहीं यहाँ पर मैंने कॉस्ट सेविंग करवा दी है, क्योंकि ये दो सबसे महंगी कोचिंग है मार्केट में, 9,000-10,000 की होती है, तो सबसे अच्छे टीचर की ना। अब देखो तुम कैसे भी टीचर की कोचिंग ले लोगे तो तुमको भाई सस्ते में भी मिल जाएगी, ठीक है, मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा उस टीचर से और तुम ये देखोगे नहीं सस्ता यार इन टीचर का ले लेते हैं, तो उसमें तुम्हारा घाटा है तुम्हारा। फिर जितना पैसा तुम 1,000 रुपए भी दोगे, वैसे 1,000 रुपए में कोचिंग है ही नहीं, मेरे से सस्ते में कोई कोचिंग है ही नहीं मार्केट में, ठीक है, और मेरा पढ़ाने का तरीका तुमको डेमो देखना है, तुम देख सकते हो यूट्यूब में, ठीक है। तो यहाँ मैंने तुम्हारा पैसा बचा दिया, लेकिन स्टिल तुमको दो कोचिंग और लेनी है, ठीक है, लॉ की और टैक्स की, तो तुमको अपने हिसाब से अपना बजट देखना है। तो ऑल दो मैं मान के चलूँ तो तुम्हारा 40,000 रुपए का खर्चा यहाँ पर हो ही जा रहा है सिर्फ ग्रुप वन अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो, और ग्रुप टू भी अगर तुम उसमें जोड़ लो तो भी 25-30,000 रुपए और जोड़ लो, ठीक है, तो तुम्हारा 70,000 खर्चा एक बार में लगने वाला है। तो अब तुम्हारे पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर तुम फुल्ली फर्निश फैमिली को बिलोंग करते हो तो यू कैन अफोर्ड 70,000 रुपीज, नॉट अ बिग डील, पर अगर आप एक ऐसी फैमिली को बिलोंग नहीं करते हो जहां पर 70,000 आपके पेरेंट्स एक बार में आपके ऊपर एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते, तो आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा कि आप बोथ ग्रुप जा रहे हो कि, तो यहां पर मैं लिख देता हूं एस। एस मतलब क्या है, सब्जेक्टिव डिसीजन डिपेंडिंग अपॉन यू, दिस इज सब्जेक्टिव डिसीजन। टाइम की मैं बात करूं तो आपको ये देखना है कि आप जब अपनी प्रिपरेशन चालू कर रहे हो और जब आपका एग्जाम है उसके बीच में गैप कितना है। जैसे अगर मैं अभी जून अटेम्प्ट वालों की बात करूं जो नेक्स्ट ईयर जून अटेम्प्ट बच्चे देने वाले हैं, ठीक है, तो 8 महीने का गैप है, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट मंथ दिसंबर अटेम्प्ट वालों की बात करूं तो 6 महीने और जोड़ लो, ठीक है, तो तुम लोग तो अगर जो अगले साल दिसंबर अटेम्प्ट देने का सोच रहे हैं, अभी जिनका सितंबर में एग्जाम हो गया अगले साल दिसंबर अटेम्प्ट देने सोच रहे हैं, तो तुम बोथ ग्रुप के लिए प्लान कर सकते हो, तुम्हारे पास सफिशियंट टाइम है। लेकिन जिनका सिर्फ 8 महीना बचा है, मेरे को नहीं लगता कि बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन तुम्हारी नॉलेज ओरिएंटेड हो पाएगी। देखो दो तरीके की प्रिपरेशन होती है, आदमी करता है एक प्रिपरेशन पास होने के लिए, और एक आदमी प्रिपरेशन करता है नॉलेज गेन करने के लिए कि नहीं यार फ्यूचर में तो मेरे को बड़े झंडे गाड़ने, फ्यूचर में मेरे को नॉलेज चाहिए, क्योंकि सामने वाली पार्टी तुम्हारी नॉलेज देखेगा, ये नहीं देखेगा कि तुम पास होकर निकलो, ये नहीं देखेगा तुम्हारे नाम क्या कि सीएमए सीए लगा है, वो देखेगा नॉलेज कितनी है भाई तेरी, ठीक है। तो अगर भाई नॉलेज नहीं गेन कर पाए, तुम सिलेक्टिव स्टडी कर लिए कि 80% वाला सब्जेक्ट कर लेता हूँ, 70% वाला सब्जेक्ट अच्छे से कर लेता हूँ, ये चैप्टर के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो ये चैप्टर अच्छे से कर लेता हूँ, पास हो जाऊंगा, तो भाई संकट में हो, ज्ञान ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं करोगे तो संकट में हो। तो टाइम इज अ बिग फैक्टर, तो अगेन इज अ सब्जेक्टिव डिसीजन। अगर तुमको लगता है 8 महीने में तो बोथ ग्रुप अच्छे से नॉलेज ओरिएंटेड प्रिपेयर कर ले तो दाई गो फॉर इट, और अगर नहीं कर सकते तो फिर बात अलग है, ठीक है। मल्टीटास्किंग, और देखो अब यहां पर ना एक और फैक्टर है बहुत बड़ा, प्लानिंग, ठीक है, मैं इसको प्लानिंग के साथ ले रहा हूँ, ठीक है, ये टाइम को प्लानिंग के साथ ले रहा हूँ, कि अगर तुमको अभी से पता है और कि तुम्हारे आने वाले 8 महीने में तुमको किस टीचर से कौन सी कोचिंग लेनी है, तुमको कहाँ कितना पढ़ना है, तुम्हारी कौन सी कोचिंग में कितना टाइम लगेगा, तुमको ये भी पता होना चाहिए कौन सी कोचिंग कितने टाइम में खत्म हो जाएगी, कि ग्रुप वन की 4 महीने में खत्म होगी, फिर ग्रुप टू की 3 महीने में खत्म होगी, फिर 1 महीने में रिवीजन करूंगा, ऐसी सटीक प्लानिंग अगर तुम्हारे पास है देन गो फॉर बोथ ग्रुप, अदरवाइज गो फॉर सिंगल ग्रुप। सिंपल बोल रहा हूं, अगर तुम्हारी सटीक प्लानिंग नहीं है कि तुमको कौन से टीचर से कहां से कितने में कोचिंग लेना है, कितने टाइम कोचिंग चलेगी, कहां चलेगी, ऑनलाइन लेना ऑफलाइन लेना, गूगल ड्राइव लेना पेन ड्राइव लेना, हर चीज पहले से पता होनी चाहिए। हर चीज नहीं पता है ना तो पूरा रायता फैला दोगे, इतना लेंदी सिलेबस है ना बता रहा हूँ। बोथ ग्रुप का प्लानिंग करोगे ना अगले साल सिंगल ग्रुप भी नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, ऐसा हुआ है, मैं देखा हूँ भैया स्टूडेंट्स को ऐसा हुआ है, बोथ ग्रुप प्लानिंग करके चले थे, नहीं हम तो हवा में तीर छोड़ रहे हैं बोथ ग्रुप देंगे, प्लानिंग उनसे पूछो प्लानिंग क्या है तुम्हारा, नहीं नहीं मैं तो रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ, क्या यार तुम लोग प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हो, तुम लोग प्रोफेशनल स्टूडेंट अपने आपको बोल भी कैसे सकते हो, जिन लोग बोल रहे हो नहीं हम रिजल्ट का वेट कर, एक तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है नहीं, ठीक है, कि पेपर दे के आए हैं तो पास हो जाएंगे, ये चीज मैं रूड बात बोल रहा हूँ, बुरा लगेगा डिसलाइक मार के चले जाना, ठीक है, पर एक बात याद रखना, ये रियलिटी तुमको कोई नहीं बताएगा, तुमको सब ना तुम्हारी तारीफ करते हैं, अच्छे लोग तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी बुराई बताएंगे तुमको, तो वैसे मैं अगर बड़ा भाई हूं तुम्हारा तुम्हारी बुराई बता रहा हूं, हम रिजल्ट का वेट कर रहे, सो कॉल्ड इतना बकवास बहाना लगता है ना मेरे को, ये रिजल्ट का वेट कर रहे हो भाई, बाई चांस पास हो गया तो उसके बाद 1 महीना बैठ के प्लानिंग करेगा अपने इंटर की, तो खुद बता 1 महीना और वेस्ट, अभी से प्लानिंग कर लेना, तो स्ट्रेटेजिकली जो बच्चा चलता है वो कैसे चलता है मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो किसी बच्चे को डाउट है मैं अकाउंट से फेल होने वाला हूँ, तो भाई इंटर में और फाउंडेशन में, अब तू अकाउंट से फेल होने वाला है मतलब तू अकाउंट्स नहीं पढ़ा था अच्छे से, तो अब अगर तेरे को फिर से फाउंडेशन देने की नौबत आई तो तू अकाउंट्स अच्छे से करेगा, इंटर और अकाउंट्स का ना कुछ सिलेबस कॉमन है, इंटर और फाउंडेशन का अकाउंट्स का कुछ सिलेबस कॉमन है, कोई दिमाग वाला बच्चा होगा ना फाउंडेशन का अकाउंट्स का बुक लेके बैठ जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर फाउंडेशन क्लियर नहीं हुआ तो फाउंडेशन में काम आएगा, अगर फाउंडेशन क्लियर हो गया तो सेम चीज इंटर में भी काम आएगी, ठीक है, इवन क्वेश्चंस भी सेम है, मॉड्यूल उठा के देख लो क्वेश्चन भी सेम है इंटर और फाउंडेशन के अकाउंट्स के बहुत सारे,
तो वही चीज बोल रहा हूँ भाई, थोड़ा दिमाग से काम लो, प्लानिंग करके चलो, प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हो ठीक है, नहीं तो अटेम्प्ट लगेगा ना, जब फेल लिखा रहेगा ना मार्कशीट में, रेड कलर से ही लिखा रहता है फेल, है ना, तब पता चलेगा। उस दिन जो दुख होगा ना, उस टाइम लगेगा कि नहीं यार प्लानिंग कर लेते, भैया की बात सुन लेते तो कुछ होता, भाई उस स्टेज से निकल गए ना इसीलिए बता रहे हैं, और इतने सारे स्टूडेंट को हर साल देखते हैं गलती करते हुए, तो वही गलतियां आपको गिनवा रहे हैं। तो वही रिजल्ट का वेट मत करो, रिजल्ट आने ही वाला है ठीक है, हफ्ता 10 दिन में रिजल्ट आने वाला है, तो भाई रिजल्ट तो आ ही जाएगा। बात यहाँ पर है कि जितना टाइम वैकेंट मिल रहा है ना उसमें प्लानिंग करो, डेमो देखो, मैं पहले भी बता चुका हूँ, नहीं बात ही नहीं सुननी है तो फिर देख लो ठीक है। मैं देख रहा हूँ ना अभी इंटर का जो वीडियो वगैरह मैं डाल रहा हूँ डेमो का, कुछ ही बच्चे गिने चुने देख रहे हैं ठीक है, और उन लोग मेरे से कॉन्टेक्ट में भी है टेलीग्राम में, उन लोग तो फाइनल भी कर दिए कि हम लोग आपसे कोचिंग लेने वाले। तो ये हुए दिमागदार बच्चे, उन लोगों को पहले से पता है, सोचो अभी उन लोगों का फाउंडेशन का रिजल्ट नहीं है, उनको पहले से पता है भैया क्लियर तो हो जाएगा, इंटर का हम लोग प्रिपरेशन चालू कर देते हैं, और मैं वीडियो नहीं डालता हूँ तो कमेंट सेक्शन में और टेलीग्राम में मैसेज करके पूछते हैं कि भैया नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, तो ये चीज को तुम समझो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मल्टीटास्किंग के बारे में, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं देखो जिन लोगों को मल्टीटास्किंग करनी होती, मल्टीटास्किंग मतलब भाई हर इंसान जो है वो फाइनेंशियली फर्निश्ड फैमिली को बिलोंग नहीं करता है, और देन ऑल्सो वी हैव टू डू सम शॉर्ट ऑफ मल्टीटास्किंग। व्हाट डू मीन बाय मल्टीटास्किंग, मतलब कुछ लड़कियां होती जिनको घर के काम करने होते हैं, कुछ लड़के होते हैं जिनको कुछ पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है अपने घर में अर्निंग करने के लिए, तो उस सिचुएशन में आई एम रिकमेंडिंग यू गो फॉर सिंगल ग्रुप। क्यों? क्योंकि बोथ ग्रुप प्रिपरेशन बेटा हो नहीं पाएगी, बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन, या फिर एक और चीज बता रहा हूँ मल्टीटास्किंग में रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी मैं काउंट कर लेता हूँ, कि जिन बच्चों का रेगुलर कॉलेज है बोथ ग्रुप के लिए बिल्कुल मत जाना, नेक्स्ट ईयर जून अटेम्प्ट में अपना सिंगल ग्रुप उठा लो, और सिंगल ग्रुप एक एक ग्रुप करके निकालो ना, क्या दिक्कत है, रेगुलर कॉलेज चल रहा है, कॉलेज की भी पढ़ाई चलेगी, सीएमए की पढ़ाई चलेगी। तो भाई अगर तुम मल्टीटास्किंग वाले जोन में आ रहे हो, तुम जॉब करते हो पार्ट टाइम जॉब, तुमको घर के काम रहते हैं, तुम्हारे घर में नहीं हो पाती पढ़ाई अच्छे से, या तुम लोग वो कर रहे हो क्या बोलते हैं रेगुलर कॉलेज कर रहे हो, तो यू आर कैटेगराइज एज मल्टीटास्किंग स्टूडेंट, और मल्टीटास्किंग स्टूडेंट के लिए मैं सिंगल ग्रुप रेकमेंड करता हूं, बाकी तुम्हारी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करता है, दिस इज माई ओपिनियन, हैशटैग ओपिनियन ठीक है। और फाइनली पर्सनल, पर्सनल में मतलब तुम्हारी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, अब ये चीज तो मैं बिल्कुल नहीं बता सकता, ये सब्जेक्टिव डिसीजन है कि तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है, तुमको पता होगा तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है कि तुम लोग सिंगल ग्रुप अपीयर कर सकते हो या बोथ ग्रुप अपीयर कर सकते हो, तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, मतलब बोले तो औकात, देसी भाषा में बोलूं तो औकात के हिसाब से डिसाइड करना कि सिंगल ग्रुप अपीयर कर सकते हो या बोथ, क्योंकि भाई हवा हवा में बोथ ग्रुप सिलेक्ट कर लिए, दिख रहा है फाउंडेशन नहीं क्लियर कर पा रहे थे, फाउंडेशन में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, हवा में तीर छोड़ के बोथ ग्रुप ले लिए, टीचर तो पढ़ा के छोड़ देगा, टीचर तो तुमको पेन ड्राइव दे देगा, गूगल ड्राइव दे देगा, उनका कार्यक्रम खत्म। यहाँ पर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बनती है खुद पढ़ने की, खुद 4 बार रिविजन नहीं करोगे कोई गारंटी नहीं है बोथ ग्रुप निकालोगे, 3 से 4 बार रिविजन करना पड़ता है बोथ ग्रुप में बैठने के लिए, पता है कि नहीं पता है ठीक है, 3 से 4 बार रिविजन करना होता है। तो भाई एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, इतने महीने में ग्रुप 1 खत्म, इतने महीने में ग्रुप 2 खत्म, इतने महीने में रिविजन, तब जाके अपीयर करूंगा। तो दिस इज सब्जेक्टिव डिसीजन, पर्सनल चॉइस है, मैं थोड़ा सा रूड होकर बात किया इस वीडियो में, क्योंकि भाई रियलिटी है, क्योंकि एक गलत डिसीजन 6 महीने का चपत, सिंगल रॉन्ग डिसीजन 6 मंथ की डायरेक्ट चपत लगेगी तुमको, 6 महीने सीधा आगे फेंकाओगे, और वही स्टूडेंट जो तुम्हारे साथ बैठ के गपशप मारते रहते थे उन लोग निकाल लेंगे ग्रुप। तो इसीलिए थोड़ा सा वक्त की पाबंदियों को समझो, क्योंकि पैसा और टाइम दोनों चीज लगती है। चलो पैसा तो भाई मैं कभी नहीं मानता, पैसे को तो मैं वैल्यू नहीं देता लाइफ में, वो तो भाई आते जाते रहता है, मेरा यही मानना है पैसा आते जाते रहता है, मैं वैल्यू देता हूँ टाइम को, क्योंकि मेरे को पता है मेरे टाइम की कितनी वैल्यू है ठीक है। तो अपने भी टाइम की वैल्यू लगाओ, 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 रुपया मान लो, चलो मान लेते हैं, आई एम एज्यूमिंग 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 रुपीज मान लो, तो जितना देर तुम इंस्टाग्राम टेलीग्राम में बकवास करते रहते हो बैठ के, इंस्टाग्राम में बकवास करते रहते हो बैठ के, स्क्रोल करते रहते हो यूट्यूब में स्क्रोल करते रहते हो, 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 रुपीज मान के कैलकुलेट कर लो, कितना लाखों करोड़ों रुपए अपना उड़ा दिए तुम। मान लो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 रुपए मान लो, खुद कैलकुलेशन कर लेना। इस वीडियो में अपन इतना ही करते हैं, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट था बोथ ग्रुप और सिंगल ग्रुप। तो होप तो इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा तुम्हारे सारे डाउट, और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पूछ लेना, बता दिया जाएगा तुमको। तो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में।